लघु उद्योग व्यापार मंडल द्वारा लाइन पार मझोला मुरादाबाद में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें व्यापारियों ने गले मिलकर होली के शुभ अवसर पर भाईचारे का संदेश दिया। होली मिलन में गुलाब की पंखुड़ियों से उपस्थित व्यापारी बंधुओं का स्वागत किया गया। समारोह में मझोला इकाई के अध्यक्ष संजीव गुप्ता द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया। सभा में प्रदेश अध्यक्ष अरुण गोयल, प्रदेश महासचिव दीपक गुप्ता, पदम गोपाल अग्रवाल, विनोद वार्ष्णेय, अमरीश यादव के साथ और भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर सभा का संचालन जिलाध्यक्ष विनोद वार्ष्णेय द्वारा किया गया। इस अवसर पर अतिथियों के अभिनंदन के बाद प्रबुद्ध जनों ने होली की शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में होली को मेल मिलाप का त्योहार बताया। समिति के सभी पदाधिकारियों ने सभी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर कहा गया कि सभी व्यापारियों को एकजुट होना होगा, तभी लड़ाई लड़ी जा सकती है और जिस तरह की समस्याएं व्यापारियों को इस वक्त आ रही हैं, उन सभी का सामना मिलजुल कर ही करना होगा। इस अवसर पर कुलदीप सिंह, विनीत कुमार अग्रवाल, अरविंद सिंह तुली, अरुण गुप्ता, देवेश कुमार, अजय कुमार गुप्ता, नरदेव सिंह, कुलदीप गुप्ता, राजकुमार सैनी, शिवराज सिंह, सुभाष कुमार, विशेष कुमार धीरज, नीरज कुमार गुप्ता, सुमित गुप्ता के साथ और भी व्यापारी गण मौजूद रहे। मंजुला इकाई की तरफ से ये होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी व्यापारी गण एकत्रित हुए हैं और बड़े भाई प्यार से और बड़े धूमधाम से ये मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री प्रदेश अध्यक्ष अरुण गोयल जी। लघु उद्योग व्यापार मंडल का होली मिलन समारोह हमारी मझोला इकाई लाइन पार क्षेत्र के व्यापारियों द्वारा किया जा रहा है और लघु उद्योग व्यापार मंडल के नाते हम सभी व्यापारी भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि होली का त्यौहार जो है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाइयों का मनाया जाने वाला त्यौहार है और इसमें सभी व्यापारी एकजुट होकर के शिरकत करते हैं और प्रोग्राम करते हैं। मैं बाद में सभी का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेश महासचिव दीपक गुप्ता आभार व्यक्त करता हूं कि आज लाइन पार क्षेत्र में सारे व्यापारियों ने अच्छी मात्रा में शिरकत की व सभी व्यापारियों ने एक दूसरे को गले मिलकर होली की शुभकामनाएं बधाइयां दी और जिस प्रकार की बधाइयां दी गई हैं ये जो हमारा प्रोग्राम का सिलसिला है ये आगे भी चलता रहेगा।